हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। थाना बाड़ा हिंदोराव की पुलिस के द्वारा शांति और अमन का संदेश दिया जा रहा है कलश यात्रा के द्वारा। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा को निकाला गया। थाना बाड़ा हिंदोराव की पुलिस के द्वारा नॉर्थ दिल्ली की पुलिस लगातार लोगों के बीच शांति और अमन का संदेश दे रही है। वहीं थाना अध्यक्ष गुरनाम सिंह के द्वारा आज मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा निकाल कर लोगों के बीच संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश सभी धर्म को एक करने का है और कोशिश की जा रही है कि पुलिस और लोगों के बीच आपसी तालमेल बनाने की, ताकि लोगों को ये लगे कि पुलिस उनके द्वारा हमेशा है। और जिस तरह से दिवाली का फेस्टिवल नज़दीक आ रहा है, आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, वहीं पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। उस आतंकी गतिविधियों को कम करने की कोशिश कर रही है। इस संदेश के माध्यम से या यूं कहें इस कलश यात्रा के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि आपसी भाईचारा बना कर रखें और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हों। ये मेरी माटी मेरा कलश यात्रा के तहत किया गया। पुलिस जो है हर घर के साथ, हर पब्लिक के साथ ग्राउंड लेवल पे जनसंवाद हर लेवल पे है पुलिस का। इस वजह से ये पुलिस लेवल पे निकल रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं बाड़ा हिंदोराव थाने की पुलिस के लिए? अमन चैन शांति रहे, लोगों का आपस में परस्पर प्यार बना रहे, ये है संदेश। मगर यहाँ पर बात करें दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, कहीं ना कहीं गतिविधियाँ भी देखने को मिलती है आतंकी गतिविधियाँ, क्या पुलिस जिस तरीके से लगातार प्रयास करती है और कलश यात्रा के माध्यम से जनता तक मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज किस तरीके से पहुँचता नजर आ रहा है? अवेयरनेस है, अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि आसपास जागरूकता कितनी सफल होने वाली है। 100% सफलता होगी। पुलिस की तरफ से यही मैसेज क्यों दिया जा रहा है? मैंने बताया कि पुलिस का जो संवाद है हर झोपड़ी से लेके महलों तक होता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति जो है पुलिस के टच में रहता है। सर बिल्कुल, ये मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे यहाँ के थाना प्रमुख श्री गुरनाम सिंह जी का और तमाम यहाँ के स्टाफ का। जिस तरीके से यहाँ थाने के तमाम स्टाफ, जिस तरीके से यहाँ थाना क्षेत्र के तमाम आम जन को साथ लेकर किसी भी तरीके की यकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, आपसी सद्भावना के लिए, आपसी सद्भाव, आपसी प्यार, आपसी सौहार्द के लिए जो भी एक काम करे जाते हैं वो वाकई बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, थाने का और थाना प्रमुख का। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी माटी मेरा देश बहुत बड़ा मैसेज देगी आने वाले वक्त में, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, आपसी सद्भाव के लिए।